ओके सो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर टुडे जिसका नाम है क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1 यस तो टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ लेते हैं पहले कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्या इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है ना थोड़ा बहुत कि है क्या वो चैप्टर कहाँ से आया क्यों आया ये सब थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे. देन वी विल स्टार्ट इंस्टेंटेनियस करंट फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी रिलेशनशिप ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है वेटेज क्या रहता है इस चैप्टर का अराउंड 6-7% नीट में आता है और आईआईटी मेंस में 8-9% रहता है. तो काफी एडवांस में नहीं आता मैम. हां जी बेटा एडवांस में नहीं आता कि चैप्टर एडवांस में आता है लेकिन एडवांस का वेटेज हम ऐसे नहीं बता सकते उसमें हर बार सिलेबस बदलता है. ठीक है हम मेंस तक का आपको डेफिनेट बता सकते हैं इतना प्रीवियस ईयर के 10 साल के अगर हम चेक करते हैं तो लगभग इतना परसेंट रहता है इस चैप्टर से. ठीक है नीट में 6-7% रहता है. ठीक है और आपके अब छोटे मोटे जो डाउट्स हैं आप उनको थोड़ा नोट डाउन करके रखें और मुझे बाद में पूछिएगा टॉपिक के बाद ऐसे बीच बीच में नहीं. अब स्टार्ट करते हैं. देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें क्या था चार्ज एट रेस्ट जो पूरा पार्ट था हमने कौन से ब्रांच में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हमने दो चैप्टर करे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस एंड सेकंड वन वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. अब आ रहा है चार्ज इन मोशन की कहानी चार्ज इन मोशन. तो चार्ज इन मोशन में दो पार्ट है एक तो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद या चार्ज इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी व्हेन चार्ज इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका उल्टा व्हेन चार्ज इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी व्हेन चार्ज इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी. जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो ये है जब चार्ज एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इस पार्ट को हम कहाँ पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में पढ़ रहे हैं. और जब वेरिएबल वेलोसिटी आ गया वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या वेलोसिटी बदल रही है या तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है चार्ज का या फिर उसकी डायरेक्शन बदल रही है. ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी की बात करेंगे. आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की कहानी करंट इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आया कैसे क्या है. Yes. हाँ पढ़ो फिर अभी बहुत दिनों बाद आए हो. सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है 10th में पढ़ा होगा ये तो आप लोगों ने. व्हाट इज करंट इलेक्ट्रॉन की आवाज मिक्स हो गई है मैं बताती हूँ. बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ पर यूनिट टाइम चार्ज यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से स्मॉल आई से जनरली आपको देखने को मिलेगा कैपिटल आई से देखने को मिल सकता है. चार्ज कितना फ्लो किया है चार्ज फ्लोन बाय में टाइम टेकन. अब चार्ज फ्लोन कहाँ से हम क्या करते हैं हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं मान लीजिए इसमें से जो है करंट जा रहा है तो करंट जा रहा है तो एक क्रॉस सेक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं उस क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो किया इन ए गिवन टाइम. मान लो 3 सेकंड के लिए मैं देख रही हूँ उसमें से कितना चार्ज फ्लो कर गया तो जो रेट है रेट क्या हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी क्वांटिटी का रेट निकालने का मतलब क्या है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेक करते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है. तो इस क्रॉस सेक्शन में से विद टाइम कितना चार्ज फ्लो कर गया पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है. मान लो इसको मैं देख रही हूँ 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए तो 3 सेकंड में से इसमें से कितना चार्ज फ्लो कर गया वो ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना टाइम के लिए आपने देखा वो नीचे लिखेंगे तो इसमें से करंट मिल जाएगा आपको. अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है बता दो फटाफट. दूसरी यूनिट क्या हो सकती है मैम कूलम पर सेकंड. यस कूलम पर सेकंड चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम पर सेकंड. और एम्पियर एक वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स में आती है. ठीक है ए से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में.
आप मुझे बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है कि टेंसर क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, बट ये स्केलर क्यों है? इसके पास तो डायरेक्शन है, अगर मान लो वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पास डायरेक्शन नहीं है क्या? मान लो आपने एक वायर इधर लगाया, इसके साथ एक वायर इधर लगाया, तो करंट इधर आएगा फिर इधर आएगा? मैम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसमें फॉलो नहीं होता. गुड, यहाँ पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता. वेक्टर एडिशन एडिशन नॉट फॉलो, इसका क्या मतलब है? लेट्स से आपके पास दो ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है. इसमें करंट आ रहा है I1, मान लो कि 2 एम्पियर आ रहा है. इसमें करंट आ रहा है कितना? 3 एम्पियर आ रहा है. और ये एक थर्ड ब्रांच है, तो थर्ड ब्रांच में कितना करंट चला जाता है? 5 एम्पियर. स्केलर क्वांटिटीज की तरह डायरेक्ट एड होती है. बट अगर ये वेक्टर होता तो इनके बीच का जो एंगल है ना, ये मैटर करता. दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल आ गया तो उसका फिर रिजल्टेंट निकालते ना आपकी कितना बनेगा करंट. पर यहाँ पर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो होता, इस वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. समझ में आया? अच्छा, अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाए ना कि स्केलर है, टेंसर है और वेक्टर है, तो क्या ऑप्शन टिक करेंगे? टेंसर क्वांटिटी है, बट टेंसर अभी नहीं पढ़ते. टेंसर पढ़ते हैं जब हम एडवांस फिजिक्स पे चले जाएंगे, इवन आफ्टर मास्टर्स, तो वहां पर नहीं जाना. लेकिन क्वेश्चन में अगर आ जाए तो फॉर नॉलेज, जीके नॉलेज है ये आपकी, कि पता होना चाहिए आपको कि अगर टेंसर स्केलर और वेक्टर दे दिया तो इट इज टेंसर, और टेंसर नहीं दे रखा तो इट इज स्केलर क्वांटिटी. क्लियर है? मैम टेंसर क्या होता है? टेंसर अभी नहीं पढ़ेंगे हम, आपको बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, वो आपके स्कोप से बिल्कुल बाहर है. ठीक है, आगे चलते हैं. स्केलर क्वांटिटी हो गया, यूनिट हो गया, ओके डेफिनेशन भी हो गया. आगे चलते हैं. दो तरह के आपको करंट देखने को मिलेंगे, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट. देखो आपको ये तो पता है कि चार्ज फ्लोन बाय में टाइम टेकन इज करंट, राइट? तो अगर मैं आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी बोलती हूँ, करंट क्या होता है? आई इंस्टेंटेनियस. दिस इज आई, इसको ऐसे लिखते हैं आई इंस्टेंटेनियस. और अगर मैं लिखती हूँ I is equal to delta Q by में delta T, तो ये क्या होता है? I average. अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो. मान लो वही आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है? तो कंडक्टर में कोई क्रॉस सेक्शन अज्यूम करें, उस क्रॉस सेक्शन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 3 सेकेंड्स के लिए, करंट फ्लो कर रहा था, चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो चार्ज कितना इस क्रॉस सेक्शन से, मान लो मैं 3 सेकेंड के लिए इसको चेक कर लू, तो इस क्रॉस सेक्शन से 3 सेकेंड में कितना टोटल चार्ज फ्लो कर गया, दैट इज डेल्टा क्यू. यहाँ पर आप लिखेंगे और 3 सेकेंड जो टाइम है उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक एवरेज करंट मिल जाएगा. हाँ जी, थर्ड चल रहा है पूजा. एंड इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? मान लो मैं बोलूं आपको कॉन्टिन्यूस जो है चार्ज फ्लो कर रहा था, किसी एक इंस्टेंट पे बोलूं, अभी बताओ कितना चार्ज है, तो कोई भी एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम करें उसमें कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय में टाइम, ऐसे निकलता है. मान लो मैं बोलती हूँ आपको कि 2 सेकंड पे, यानी अभी मान लो सेकंड जो है, सेकंड होने वाला है, सेकंड में मैंने बोला अभी कितना करंट है, तो आप उस क्रॉस सेक्शन में देखें कि कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं. हाँ जी बेटा. मैम मैं आज लेट ज्वाइन हो पाई हूँ, जो बताया आपने बस एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए. अच्छा, तो आप कितना लेट ज्वाइन हुए? देखो 7:15 की क्लास थी, 7:35 हो गए बेटा. वैसे बता देती हूँ आगे से टाइम से आए, विशाली है ना ये? यस मैम. लेट आए थे बेटा? चलो कोई नहीं, मैम अरीबा है. इनका इंस्टेंटेनियस फिर से बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए. अभी अभी आप लोग सभी अपना माइक ऑफ रख के मैं बता रही हूँ, ऑफ रखे. सिंपली करंट बताया, करंट आपको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम जो आपके पास है वो करंट होता है. फिर यूनिट बताइए एम्पियर होता है, क्वांटिटी स्केलर होती है, फिर अब हम पढ़ रहे हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस करंट होता है किसी भी समय पर मैं पूछ लूं कि अभी कितना करंट है, और मैं उस अगर मैं ये पूछूं कि 3 सेकंड में कितना करंट फ्लो कितना चार्ज फ्लो किया, वहां से आप क्या निकालते हैं? आई एवरेज. और किसी भी इंस्टेंट की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं. ठीक है, अभी देखिए 2-3 चीजें आपको जो पता होनी चाहिए.
यहां से देखो डेल्टा क्यू है दैट इज इक्वल टू आई डेल्टा टी. अगर आपके पास करंट कांस्टेंट है ना, मान लो करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहा है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेकिन अगर करंट वेरिएबल है, मतलब करंट टाइम के साथ चेंज होता है, आई मान लो आपको दे दिया आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस में वन, ऐसे कुछ दे दिया, टाइम इज इक्वल टू वन टू थ्री पे अलग अलग करंट की वैल्यू आती है, तो हम लोग चार्ज कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी. इस तरीके से आप निकालेंगे जो भी आपका टाइम का कंडीशन है, लोअर लिमिट अपर लिमिट आप इससे निकालेंगे. अगर मान लो आई टी में आपको ग्राफ दे दिया, आई और टी के अंदर आपको एक ग्राफ दे दिया, आई और टी, लेट्स से ऐसे एक ग्राफ दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज फ्लो करता है वो यही है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी. लेकिन अगर ग्राफ दे दिया तो आप ग्राफ से निकाल सकते हो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व, ठीक है, क्लियर है सबको. आपको सिंपली इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकाल लोगे ना तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा, या फिर आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो इस तरीके से, दोनों सेम बात है. अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. आपका जो डाउट है ना छोटा सा इंस्टेंटेनियस और एवरेज का, मुझे पता है मुझे भी होता था, अभी क्लियर हो जाएगा. अगर चार्ज आपके पास है टी स्क्वायर प्लस में फोर टी प्लस में फाइव, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड एंड एवरेज फ्रॉम जीरो टू टू सेकेंड. एवरेज में आपको हमेशा दो चीजें गिवन होंगी, दो टाइम पीरियड गिवन होंगे, दो टाइम, एक जीरो हो गया जैसे एक टू हो गया, कोई भी दो टाइम के बीच की बात कर रहे हो. और इंस्टेंटेनियस में आपको सिंपली क्या करना होता है, जो चार्ज दे रखा है उसको डिफरेंशिएशन करना है. आई इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा बेटा, टू टी यानी डी क्यू बाई डी टी निकालेंगे ना, दैट इज इक्वल टू टू टी प्लस वे फोर. फाइव क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, जीरो, ठीक है. अब इन्होंने पूछा कि आई इंस्टेंटेनियस टाइम थ्री पे बताओ. अब देखो आई जो करंट है ये डी क्यू बाई डी टी किसी भी इंस्टेंट पे बताता है करंट. अगर t इज इक्वल टू थ्री बोल रही हूँ, t की जगह थ्री पुट कर दो, टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, टू बोल रही हूँ टू पुट कर दो, फाइव बोल रही हूँ फाइव पुट कर दो, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको करंट मिल जाएगा. अब थ्री है तो थ्री टू सिक्स प्लस में फोर यानी कि कितना हो गया, टेन एम्पियर, ये आंसर होगा एट t इज इक्वल टू थ्री. अगला निकालो आप, अगले में देखो क्या बोला, आई एवरेज, एवरेज से ही आपको समझ में आ रहा है. मैम एक बार रिपीट करना. देखो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालने को बोले, चार्ज गिवन हो, डिफरेंशिएट दैट चार्ज विद टाइम, और जिस समय पर पूछा है उस समय की वैल्यू पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा. आई एवरेज आपको निकालना है तो आई एवरेज में क्या होता है, आपको टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा इन टोटल टाइम डेल्टा टी. अब टोटल टाइम क्या है, यहाँ पर दो सेकेंड है, तो दो सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया उस क्रॉस सेक्शन से, वो कैसे निकालेंगे. आप एक बार जीरो पुट कर दो इस चार्ज के अंदर, तो जीरो के ऊपर आपको चार्ज मिल जाएगा, एक बार आप पुट कर दो टू सेकंड तो टू सेकंड पे आपको चार्ज मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस कर दो, वही तो टोटल चार्ज फ्लो करेगा उन दो सेकंड्स के अंदर. कैसे बताया, देखो ये मान लो एक कंडक्टर है और इसमें आपने क्रॉस सेक्शन लिया, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे फॉर टू सेकंड्स, पहला यानी जीरो से शुरू किया और जीरो से दो सेकंड तक आप उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देख रहे हो, तो उसमें से कितना चार्ज फ्लो कर गया वो निकालना है. तो जीरो पे देख लो कितना चार्ज है, टू पे देख लो कितना चार्ज बन रहा है, दोनों का डिफरेंस कर दो, दो सेकंड में टाइम, दो सेकंड के टाइम में आपको टोटल चार्ज फ्लोन मिल जाएगा ना फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है. तो यहां से आपके पास जो टोटल चार्ज आएगा Q एट जीरो कितना हो जाएगा, फाइव एम्पियर, ठीक है. और चार्ज आपका थ्री सेकंड की अगर आप बात करें तो कितना हो जाएगा, थ्री थ्री जो नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन, तो सेवनटीन माइनस में फाइव, ये टोटल चार्ज फ्लो कर गया उन दो सेकंड्स के अंदर. तो आपके पास ये कितना आ गया, 12 बाय 2 कितना हो गया, 6 एम्पीयर, ये आंसर आ गया. आई बात समझ में. तो किसी इंस्टेंट पे बोले तो dq / dt निकालना होता है, टाइम की वैल्यू पुट करनी होती है. अगर आपको पूछे एवरेज निकालना, उसमें दो टाइम आपको गिवन होंगे, उन दो टाइम के लिए चार्ज निकालो, जीरो के लिए निकालो, टू के लिए निकालो, दोनों का डिफरेंस करो, टोटल चार्ज आ जाएगा डिवाइड बाय में टोटल टाइम यानी 2 सेकंड, आई एवरेज निकल जाएगा. अभी आप लोग करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन. इफ आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस में वन, फाइंड क्यू फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन बिटवीन जीरो टू थ्री सेकंड, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोस इन दिस टाइम. अब आपको करंट दे दिया, उल्टी कहानी हो गई. अब करंट दे दिया और आपको चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा ना. देखो आई था आपके पास डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, और डी क्यू क्या होगा, आई डी टी
इफ वी इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड तो टोटल चार्ज आ जाएगा डेल्टा क्यू। मान लो पहले चार्ज जीरो था, जीरो से ही आपके पास कितना हो गया, क्यू हो गया, डेल्टा क्यू। अब यहाँ पर अगर डेल्टा क्यू से भी कंफ्यूजन होता ना तो मस्त लिख लो कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा, ऐसे चार्ज मिल गया। ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आपको लोअर लिमिट पता होनी चाहिए, अपर लिमिट पता होनी चाहिए। ममता ने आंसर भी निकाल दिया, देखते हैं सही है नहीं उसका। तो आई क्या है, टी स्क्वायर प्लस में वन, इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा चार्ज निकालने के लिए। दैट इज इक्वल टू टी क्यूब बाय में थ्री प्लस में टी। इंटीग्रेशन करना आता है ना सबको, अभी ऐसा तो कोई नहीं बैठा जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता। पावर बढ़ा दिया डिवाइड बाय न्यू पावर, वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन ही हो गया ना, वन तो हट गया, वन इंटू डी टी डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन इज टी। तो ये जीरो से थ्री आपको पुट करना है, अपर लिमिट पुट कर दो, ठीक है। थ्री थ्री जी नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन बाय में थ्री प्लस में थ्री, ये होगी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, ये तो जीरो ही हो गया सारा। थ्री वन जा नाइन जा कितना हो गया, बारह कूलम चार्ज आ गया। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बताओ कैसे करें। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज इन दिस टाइम, बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद है, टोटल चार्ज किसके इक्वल है, इंटीग्रल चार्ज के इक्वल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, बारह आपको दे रखा है, एन आपको निकालना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19। तो करंट होता किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही है ना, तो जो चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो है। यहाँ से एन निकल जाएगा आपका 12 बाय में 1.6 into 10 to the power minus 19, निकाल लेना आंसर आ जाएगा। अब समझ में आया इंस्टेंटेनियस करंट dq by में dt। हाँ जी मैम, यहाँ पे हमने 9 प्लस 3 किया तो वो 2 कूलम हो जाएगा। क्या दोबारा बोलो अभी, एक जना बोला ये आपने 12 कूलम लिखा है, यहाँ पे अगर हमने 9 प्लस 3 किया तो 12 हो गया और उसमें से हमने 10 माइनस कर दिया। नहीं ना बेटा, आप इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे, इट इज 0, जीरो है ना, लोअर लिमिट जीरो है, टाइम की जगह जीरो जीरो करोगे तो पूरा ही जीरो हो गया ना। इट्स नॉट 10, इट इज 0। ओके कितना आंसर, आंसर भी निकाल दिया अंकित ने, यस वेरी गुड, 7.5 into 10 to the power 19 आएगा, नॉट माइनस 19, मैम प्लस 19, ओनली 19। हां जी ओनली 19 आएगा माइनस 19, यस। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 10 एम्पीयर टू 0 इन 4 सेकंड, फाइंड टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो आपको मैं ग्राफ दे देती हूँ, ग्राफ का क्वेश्चन है ये, ये आई है, ये आपके पास क्या टाइम है और करंट 10 से 0 हो रहा है, मान लो यहाँ 10 है और 10 से अब 0 हो रहा है और आपके पास डिक्रीजेस लीनियरली ऐसे, ठीक है, 0 है ये 10 है, आपको क्या बोला है फाइंड टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, 4 सेकंड में, 0 से 4 सेकंड हो गए, तो कितना हो गया, हाफ इंटू बेस कितना है 4 इंटू में हाइट कितना है 10, 2 1 जा 2 2 जा 4 यानी कितना हो गया 20, ठीक है, दिस इज योर टोटल चार्ज। और ये एक्चुअली में आप अगर निकालना पड़ता लिमिट्स वगैरह से तो आप वो भी निकाल सकते हो आई डी टी, ठीक है। यहाँ पर आप 10 पुट करते लिमिट टाइम की, क्या पुट करते 0 से 4 पुट करते तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बराबर आई टी नहीं लगा सकते, क्यू बराबर आई टी, देखो वो आप तब लगाते हैं जब आपके पास कांस्टेंट करंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो जो टाइम के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, करंट पासिंग थ्रू वायर डिक्रीजेस लीनियरली, करंट घटता जा रहा है ना, अगर करंट सेम रहता तो मैं मल्टीप्लाई कर देती डायरेक्ट, समझ रहे हो, जैसे अगर हमारे जनरल जो कनेक्शंस होते हैं कि करंट सेम है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है भाई इसमें से पूरा टाइम, 1 घंटा 2 एम्पियर ही चल रहा है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो छोटे छोटे, ये क्या होता है एरिया, ये इंटीग्रेशन का मतलब पता है ना क्या होता है, एक्चुअली आप छोटे छोटे स्ट्रिप्स देते हैं एलिमेंट्स को जोड़ना, yes, फिर टोटल करने के लिए, आपने ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है मैम,
ओके तो ये इंटीग्रेशन में ये होता है, ये जो स्ट्रिप्स होती है ना, ये छोटी सी स्ट्रिप की अगर हम बात करें, व्हाट इज दिस आई इनटू डीटी, इसमें छोटा सा चार्ज आ गया, तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मैं इन स्ट्रिप्स का एडिशन करती हूँ, और इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो क्या है, इंटीग्रेशन कर देती हूँ कहां से कहां, जीरो से फोर तक। आई समझ में ऐसे होता है? यस मैम। आगे चलते हैं, अब आता है हमारा जो मेजर टॉपिक है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें ना, तो रूम टेम्परेचर ले लेते हैं और कंडक्टर ले लेते हैं, तो आपको पता है कंडक्टर के अंदर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, लगभग 10^29 पर मीटर क्यूब, इतना लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, आपने कंडक्टर ले रखा है, इसके अंदर मोशन में है इलेक्ट्रॉन्स, रेंडम मोशन में, कोई इधर चल रहा है, 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 लेकिन इनका जो वेलोसिटी है, इनका वेलोसिटी बताऊं कितना है, 10^5 के अराउंड मीटर पर सेकेंड, इतना हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन इनका रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से जो एवरेज है, यू एवरेज जो है इनका, वो कितना होता है, जीरो। यानी कि यू वन, हर एक इलेक्ट्रॉन का मैं अगर ऐड करूं यू वन प्लस में, यू टू प्लस में, यू थ्री अप टू यू एन, एन डिवाइड करूं डिवाइडेड बाय एन, तो ये जीरो आएगा। लेकिन यू एवरेज अगर स्पीड की बात करें तो वो जीरो नहीं है, वो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है ना, लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं वेलोसिटी की तो वो एवरेज क्या निकलती है, जीरो निकलती है। अब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज है ही नहीं, तो करंट हो सकता है क्या? नो मैम। करंट कैसे फ्लो करता है, अगर आप वायर्स को आप थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, आप तो सर्किट थोड़ा बहुत आते होंगे, भाई करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तो हम उस डायरेक्शन को करंट बोल रहे हैं। यस जी मैम। इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए ना, अब यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे हैं तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। अगर कोई क्रॉस सेक्शन ले रहे हो, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया, ठीक है, तो कुछ देर बाद हो सकता है वो टक्कर वगैरह लेके और वापस उससे दूसरे डायरेक्शन में चला जाए। अब इसके अंदर देखो क्या क्या है, इसके अंदर आपके आयन्स हैं, जैसे जो भी एटम्स हैं इसके अंदर क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं, ऐसे एटम्स हैं लेट्स से, तो इन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं, तो वो जैसे ही निकल जाते हैं ये बाहर आ गए, तो अब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इनको हम आयन्स बोल देते हैं। अब ये जो आयन्स है ये थोड़े इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो देखो हैवी भी है, ठीक है, तो अब ये जो है इलेक्ट्रॉन इनको कोलाइड करते हुए इधर उधर मूव कर रहे हैं, ऐसे इनका ऐसे मतलब समझ लो डांस कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे, लेकिन इनका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी जीरो है और करंट क्या है इसके अंदर, जीरो है। मान लो मैंने इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस लेट्स से हमने इसमें कोई एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, ये लगा दिया मैंने इसमें एक्सटर्नल फील्ड ई एक्सटर्नल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस केस में फोर्स लगता है उसके ऊपर, याद है किसी को, पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है, तो यानी इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा ना, इस तरह फोर्स लगेगा सब पे, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन जाके इकट्ठा हो गए यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव ये बन गया अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर लगा रहे हो ना अंदर ये इंड्यूस कर लेगा उसके इक्वल एंड अपोजिट, यानी अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अब भी जीरो है, ई नेट इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि ई इंड्यूस जो हो रहा है वो इसके इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है, माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल, तो नेट अंदर क्या हो गया, जीरो। अब अंदर जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हो गए हैं, ई नेट जीरो हो गया, अब उन पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, हो सकता है कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट हो गए, इन क्रॉस सेक्शंस पे अक्यूमुलेट हो गए, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया, बट देयर आर स्टिल लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अभी फ्री है, बट दे आर स्टिल मूविंग इन रैंडम मोशन, उनके पास अभी भी रैंडम मोशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका एवरेज वेलोसिटी अब भी जीरो है, ठीक है, और वो करंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मतलब करंट नहीं आ रहा। अब थर्ड केस आएगा जब हम ये अक्यूमुलेशन ना होने दें, हम क्या करेंगे इस कंडक्टर को, हम क्या करेंगे एक वायर से कनेक्ट कर लेंगे, एक बैटरी लगा देंगे इधर से, इस तरीके से। अब बैटरी लगा दी आपने,
तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या अक्यूमुलेट तो नहीं होगा ना, वो इसके थ्रू सर्कुलेट होगा। बैटरी का काम क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को घुमाना सर्किट के अंदर, एनर्जी देना, काइनेटिक एनर्जी देना, यही काम है उसका। तो अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? Yes. जो नेगेटिव नेगेटिव आपका बन रहा था वो फ्लो करने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली करंट इस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाता है ना करंट। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नेगेटिव लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ जाते हैं। अब यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करूं अंदर, उसमें एक एक्सटर्नल, मान लीजिए बाहर जो है बैटरी की वजह से क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, बाहर एक ई एक्सटर्नल लग रहा है उसमें, उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन इनसाइड की अगर हम बात करें तो इनसाइड अब ई इंड्यूस नहीं है, क्योंकि ई इंड्यूस आ रहा था आपके पास चार्ज अक्यूमुलेशन की वजह से, लेकिन वायर्स के थ्रू अब चार्ज अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा, वो सर्कुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर ई नेट जो है इनसाइड जीरो नहीं है, यानी आप कह सकते हो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक एक्सटर्नल फील्ड लग रहा है। अब मान लो मैंने यही एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यस, नॉट इक्वल टू जीरो, अंदर जीरो नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ वैल्यू है, ई नेट कह लो या ई इनसाइड कह लो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है, देखो यहाँ बताया ना मैंने आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठा हो गया, बाहर एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाया कंडक्टर के पीस पे, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ गए, एक तरफ नेगेटिव, तो उसके अपोजिट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अपोजिट क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स के अक्यूमुलेशन की वजह से, पॉजिटिव से नेगेटिव, और आपने इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल लगाया था तो ये इंड्यूस होता है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई वो अक्यूमुलेशन ही नहीं हो रहा, तो अब एक्सटर्नल फील्ड है अंदर जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, ई इनसाइड जीरो नहीं है। अब क्या होगा, अब हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है इसकी बैटरी की वजह से, एक एक्सटर्नल फील्ड आ गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। वो फोर्स निकालते कितना लग रहा है, फोर्स कितना लगेगा, मान लो ये आपके पास एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है इधर, कितना फोर्स लगेगा, माइनस क्यूई, एफ लगता है क्यूई, ठीक है। अगर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता तो इस डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स होता, ये नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और क्यू की जगह हम क्या लिखते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से ही, ठीक है, इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ एक नेगेटिव साइन हम लगा देते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगा हुआ है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन चार्ज के नेचर की वजह से नहीं है, ये नेगेटिव साइन है उसमें जो डायरेक्शन अपोजिट में लग रहा है, यहाँ सिर्फ हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब देखो यहाँ पर उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड को देख के तो हम बता रहे हैं ना कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दो बार माइनस नहीं कर देना, ये फोर्स हो गया। फोर्स होता है एक और फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स बाय में मास, फोर्स आपने निकाल लिया माइनस ई कैपिटल ई बाय में एम, एम इज स्केलर क्वांटिटी, ई हो गया एक्सेलरेशन। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई ई बाय में एम, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आपको देख के क्या लग रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेशन मिल रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की वजह से उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, उसको फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास आ गया तो मुझे बताओ करंट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो नहीं बढ़ता, क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हो अकेलों को, भाई आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो है फोर्स लग रहा है, वो अकेले नहीं है, उनके साथ जो है उनके एटम्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, अंदर अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर एटम्स भी तो है ना, आयंस जो बने हैं जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये भी तो बैठे हैं ना, yes. अब इनके बीच में आपके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूं, लेट्स से यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड अगर आपने इधर लगाया है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन अभी जो इनका रैंडम वेलोसिटी था उसको नहीं भूल जाना। वो वेलोसिटी किसकी वजह से होती है, वो थर्मल एनर्जी की वजह से होती है, जो एक मटेरियल के पास थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उसकी वजह से वो मूव कर रहे थे रैंडमली हर डायरेक्शन में, जो कि मैंने 10 to the power 5 meter per second आपको बताया था, वो अभी भी है मोशन, वो कहीं नहीं गया,
ठीक है वो चलेगा, ये अभी भी डांस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप हटा दो तो भी उनका डांसिंग चल रहा था, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया अब बात क्या होगी कि वो जो डांसिंग था वो फॉरवर्ड डांसिंग हो जाएगा, वो मतलब ऐसे करते करते मूव करेंगे थोड़ा। अगर मैं आपको पिक्चर से समझाऊं थोड़ा, मान लीजिए एक और मैं बनाती हूँ कंडक्टर, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए रैंडम मोशन की वजह से इधर जा रहा था, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, थोड़ा समझो इस कॉन्सेप्ट को। ये एक इलेक्ट्रॉन था जो रैंडम मोशन कर रहा था, इधर जा रहा था। कोई इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, इधर जा रहा है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास किधर जा रहा है, मान लो इधर जा रहा था कोई इलेक्ट्रॉन, लेट से इधर आ रहा था। ये इनका एक्चुअल मोशन हो रहा था जो थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा था, और ये वेलोसिटीज है 10^5 मीटर पर सेकंड, लेकिन इनका एवरेज निकालते हैं तो जीरो लगता है। लेकिन अब जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, इसकी वजह से क्या होगा, अब इन रैंडम मोशन तो चल ही रहे हैं बट इनके ऊपर अब फोर्स आ गए। उस फोर्स की वजह से क्या होगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था, ये फोर्स क्या करेगा, इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव करा देगा। ये फोर्स क्या करेगा, इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव करा देगा। फोर्स लग रहा है, चल रहा है वो, चलते हुए को आप एक तरफ फोर्स लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी खिसक जाएगी ना, तो ये वाला इस तरफ। हाँ, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। टेंजेंशियल नहीं, आप ऐसे समझेंगे वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे अपनी पोजिशन से ऐसे थोड़ा खिसक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखा इस तरफ, और किस तरफ खिसकेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो जो फोर्स लग रहा है वो उसको किधर लेके जाएगा, वो एक डायरेक्शन लगाएगा, फोर्स इधर आएगा। हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो अब इसमें नेट मोशन होने लग जाएगा ना हर इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए बी क्रॉस सेक्शन है ए, बी टू ए, वो रेंडम मोशन तो चल रहा था जो थर्मल एनर्जी का था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, अब हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स भी लग रहा है, तो अब वो रेंडम मोशन के साथ साथ जो है आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा, अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटीज आई है ना, मान लीजिए अब इनिशियली क्या था कि ये किसी एक वेलोसिटी से शुरू करता है, चलो इस पे भी मैं आती हूँ। अभी आपको ये बात समझ में आया कि फोर्स किधर लग रहा है, मोशन किधर हो रहा है, ये बात क्लियर है सबको? Yes, कोई डाउट है तो पूछ लो उसने। आप इमेजिन बस एक चीज करें कि आपके इलेक्ट्रॉन्स पहले हर रैंडम मोशन में मूव कर, रैंडम मोशन हो रहा था, हर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब भी वो रैंडम मोशन हो रहा है बट अब बैटरी लगाने की वजह से उनपे फोर्स आ गया। अब फोर्स की वजह से वो जो डांसिंग, आपने समझ लो कि वो ऐसे चल रही है ऐसे, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो जैसे कि गैस है, एक चैम्बर के अंदर गैस है, ठीक है, और मान लीजिए आपका उसके अंदर हाई प्रेशर है, और अगर आप उसमें एक होल कर दोगे तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मूव करते हैं ना? यस मैम, रैंडम मूव करते हैं। अब होल कर दोगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर मॉलिक्यूल्स जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे मैम, लेकिन उनका रैंडम मोशन तो तब भी हो रहा है। यस मैम, नाउ कैन यू कंपेयर, इसकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं इसको, उस गैस से आप कंपेयर कर सकते हो, उनका रैंडम मोशन है बट आपने बैटरी लगाया तो बैटरी लगाने से क्या हो रहा है, वो लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ खिसकने लग जाएंगे। आई बात समझ में? Yes, ma'am. अब क्या है कि अब इसका एक्सप्रेशन हम बनाते हैं कि कैसे बनेगा, इसका एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव करें। अभी देखिए अंदर जो है, हाँ ये बात थी, सवाल ये था कहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने कि एक्सेलरेशन हो रहा है बट नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कोलिजन्स हो रहे हैं ना बीच में। कोलिजन्स में क्या होता है कि ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, उसका स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, लेकिन वो जो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती है वो खो देता है जब वो कोलिजन करता है, तो वो जो करंट बढ़ना था वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो जो एनर्जी का है वो कोलिजन्स के अंदर लॉस होने लग जाता है। आई बात समझ में? आपने जब फोर्स को लिखा था माइनस ई और एफ, माइनस हमने लिया है डायरेक्शन के लिए, जो फोर्स लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए माइनस लिया है, और ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जिसकी वजह से उस पर अपोजिट फोर्स लगता है, उसके लिए हमने माइनस लगाया। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, तो आयन्स है यहाँ पे आपके, ये आयन्स है, ठीक है। मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन आया, इससे टकराया,
यहाँ से आया मान लो, यहाँ टकराया हो, एक कोलिजन, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी हम, यहाँ टकराएगा ठीक है, उसके बाद वो यहाँ मूव करेगा फिर आगे चलेगा इसकी तरफ। तो ये मान लीजिए ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, तो ए से बी पोजीशन में जाने में जो उसको टाइम लगा है उसको हम बोलते हैं टाउ। यहाँ पर जो भी हम टाइम ले रहे हैं इनको बोलते हैं हम टाउ, और इनका नाम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। यानी कहने का मतलब क्या है कि सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, जैसे एक कोलिजन ये हुआ उससे अगला कोलिजन ये हुआ, इन सक्सेसिव कोलिजन हो गई लगातार दो कोलिजन में के बीच में जो समय लग रहा है, जब वो आराम आराम, रिलैक्सेशन का मतलब तो आराम हो गया ना, मतलब अगले से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो रहा हो उससे पहले थोड़ा आराम कर रहा है, वो टाइम टाओ, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोल लेते हैं। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो क्या है, टाओ, रिलैक्सेशन टाइम। और जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं हम फ्री पाथ, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये फ्री पाथ ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आया इससे गया हम मान ये। हाँ जी बेटा। मैम आपने कोलिजन को टी से रिप्रेजेंट किया है ना, कोलिजन को किससे रिप्रेजेंट किया है, टी, टी नहीं बेटा, प्लस प्लस, ये आयंस हैं, दीज आर आयंस ठीक है, जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले तो वो पॉजिटिव आयन आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना एटम के ऊपर, वो आयंस बन गया, वो आयंस आपके कंडक्टर के अंदर रखे हुए और इलेक्ट्रॉन उनको टक्कर मारते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, पहली बात करते, पहला इलेक्ट्रॉन हो गया ये, तो मान लेते टाउ वन उसको टाइम लगा और लैम्डा वन उसको डिस्टेंस लगा ठीक है। ऐसे ही आपका एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पर उसने जो इसका कोलिजन हुआ उसके बाद उसका कोलिजन हुआ कहीं यहाँ पर ठीक है, ये दूसरा आयन हो गया, तो ये जो फर्स्ट कोलिजन हुआ ये सेकेंड, तो इन दोनों के बीच में आप देख लीजिए क्या है, टाउ टू टाइम है, लैम्डा टू डिस्टेंस है, और ऐसे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यही कहानी चल रही है। अरे बाय एक मिनट, लेट मी कंप्लीट इट, देन आई विल रिपीट इट अगेन, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं, यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन, आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहा है, सारे ही तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं, सभी तो कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, कोलिजन तो चल रहा है ना ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो मान लीजिए जो फर्स्ट कोलिजन हुआ, यहाँ पर ये जो कोलिजन हुआ, यहाँ से जो इसका कोलिजन होगा तो एनर्जी का लॉस करता है, ये जो कोलिजन होता है इसमें एनर्जी का लॉस होगा, यहाँ एनर्जी का लॉस हुआ, लेट से दोबारा से उसने अपना जो मोशन है स्टार्ट किया, जिस वेलोसिटी के साथ किया वो यू1 वेलोसिटी है, अब उसके ऊपर एक फोर्स भी लग रहा है ठीक है, फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेट करता है, वो एक्सेलरेट करता है, मान लीजिए उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो v1 आ गई है। ऐसे ही जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 था, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया, एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब हर एक इलेक्ट्रॉन को आप देखें वो कोलाइड करता है, वो एक वेलोसिटी से शुरू होता है, फोर्स की वजह से क्या होता है उसकी वेलोसिटी जो एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वो वेलोसिटी जो बड़ी है वो एक पहले की v1 हुई, दूसरे की v2 हुई, तीसरे की v3 हुई, एंड सो ऑन। तो ये जो v1 v2 v3 आया ना, v1 प्लस में v2 प्लस में v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय में n करते हैं, ये जो एवरेज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं ठीक है। अभी देखो अगर आपको ये बोले कि हर एक इलेक्ट्रॉन क्या सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नहीं कर रहा, रैंडम मोशन अब भी है, v1 v2 सब रैंडम मोशन में है, लेकिन अगर हमें उनका एवरेज निकालूं v1 v2 v3 v4 अप टू vn बाय n, अब वो इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो कि इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ खिसकते हुए बढ़ रहे हैं। अब आप रैंडम ऐसे मत सोचना कि रैंडमनेस खत्म हो गया, अब जैसे मैं नया मॉडल बनाऊं इसका, नया मॉडल ये बन गया, अब हम बोल सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन, अब हम कोलिजन्स जो हो रहे ना पीछे उनको भूल जाएंगे, क्योंकि उसको देख के हमने एक एवरेज निकाल लिया, भाई हर इलेक्ट्रॉन जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बट देयर ओरिजिनल वेलोसिटीज जो है v1 v2 v3 वो डिफरेंट है और रैंडम डायरेक्शन में। लेकिन जब हम आगे अब सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, हम ये समझ के चलते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी vd के साथ थोड़ा सा खिसक खिसक के आगे चल रहे हैं। आई बात समझ में? जी मैम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक इक्वेशन आपको पता है, यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है वो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो हमारी कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस में at। ठीक है, हम हर एक v की जगह हम पुट करेंगे, देखो पहले की जगह पुट करेंगे हम लोग, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की कहानी अगर देखें तो u1 प्लस में a tau1, v2 की जगह u2 प्लस में a tau2, फिर u3
प्लस में ए टॉ थ्री एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय में एन. इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, यू वन सारे इकट्ठे कर लेते हैं, यू यू जितने भी है, यू वन प्लस में यू टू प्लस में अप टू यू एन डिवाइडेड बाय में ये एन है ना मैम, यू वेलोसिटी है ना. हाँ यू उनकी इनिशियल वेलोसिटीज है. ठीक है, यहाँ पर भी एक अजम्पशन है. अजम्पशन देखो क्या है कि जब कोलिजन होता है ना, तो कोलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन अपना कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करेगा. वो एनर्जी वो उस आयन को देता है, वो आयन के पास एनर्जी आता है, आयन्स वाइब्रेट करते हैं, इसी वजह से करंट जब फ्लो करता है ना कंडक्टर में तो वो हीटिंग इफेक्ट आता है, होता है ना, कंडक्टर गर्म हो जाता है, तार गर्म हो जाती है जब उसमें से करंट फ्लो करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि उनका जब कोलिजन हो रहा है तो एनर्जी का लॉस करते हैं और आयन्स को देते हैं, और आयन्स तो कहीं नहीं जा सकते, वो तो अपनी जगह पे है. ठीक है, वो वाइब्रेट करते हैं फिर अपनी जगह पे, वाइब्रेशन की वजह से उसका सिस्टम का जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाता है. हम यहाँ ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई जब वो कोलाइड करता है ना, वो अपनी सारी जो उसने एनर्जी गेन की होती थी ड्यू टू बैटरी जो फोर्स लग रहा था वो उसको दे देता है, फिर वो एक फ्रेश स्टार्ट करता है हर बार. वो फ्रेश स्टार्ट के लिए जो उसको एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, उसको थर्मल एनर्जी से मिलती है, जो यू वन यू टू यू थ्री यू फोर यू एन ये जो उनको मिल रही है. ठीक है, यहाँ पर ये सोचता है. ठीक है, और फिर वो फोर्स की वजह से वी वन वी टू वी थ्री वी फोर जो है एक्सेलरेशन की वजह से वो गेन कर रहा है. फिर हम सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक बारी में जब देख रहे हैं, सबके मोशन को मैंने लिख लिया कि v1, v2, v3 सबका एडिशन करा डिवाइड बाय n, तो इस एवरेज वेलोसिटी के साथ वो खिसक के चल रहे होंगे. समझ में आई बात? यस मैम. हाँ, तो यहाँ पर देखो अब एक्सेलरेशन कॉमन ले लो, इसमें ये आएगा टॉ वन प्लस में टॉ टू प्लस में टॉ थ्री, सब अलग अलग टाइम से चलेंगे, सभी एक ही तरीके से थोड़ी कोलाइड कर रहे हैं, कोई किसी आयन को करेगा, कोई किसी को करेगा, अलग अलग टाइम लेगा, अलग अलग डिस्टेंस भी लेगा. ठीक है, बाय में टॉ एन डिवाइडेड बाय में एन. अब ये वाला टर्म तो सारा थर्मल प्लस है. हाँ ये प्लस है बेटा, मैंने क्या करा, यू वाले सारे अलग टर्म कर लिए और एक्सेलरेशन वाले सारे अलग टर्म कर लिए. ये वाले पार्ट को आप जीरो बोल सकते हो क्योंकि ये वाली एवरेज वेलोसिटी किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से, तो ये तो जीरो है, इसकी वजह से कोई करंट में कोई पार्ट नहीं आता. आपका जो करंट का हिस्सा बन रहा है वो सिर्फ वो बन रहा है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से आएगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस टॉ थ्री अप टू टॉ एन बाय एन, इसको हम बोलते हैं टॉ एन. मैम इनिशियल वेलोसिटी तो कट होगी ना? हाँ ये सारी कट हो जाएंगी. ठीक है मैम. ठीक है, अब यहाँ पर हो गया ए इंटू में टॉ एवरेज, और ए आप निकाल चुके हो ना, बताओ कितना था. अब उसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, नेगेटिव को छोड़ो, माइनस ई कैपिटल ई बाय में एम इंटू टॉ एवरेज, यही था. अब आपके इलेक्ट्रॉन्स खिसकते हुए धीरे धीरे मूव करने लग गए हैं. क्लियर? अब यहाँ पर इसका एक छोटा सा मॉडिफिकेशन क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल की फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं. मान लीजिए लेंथ जो है कंडक्टर का वो एल है. ठीक है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है. अगर आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है तो आप बैटरी का इधर टर्मिनल ले लो, उसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, वो थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो. अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर दिखाया है, ऑब्वियसली कहां से कहां होता है, लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल होता है ना, यहाँ ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, एक्सटर्नल फील्ड जो है वो ऐसे लग रहा होगा, बस उल्टा हो गया थोड़ा. अब यहाँ पर देखो पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये इसके अक्रॉस आ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशनशिप होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर. इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट है, करंट होता इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से. ठीक है, बट वो हमने मतलब एक, आप ऐसे बोल सकते हो स्टैंडर्ड सेट कर रहा कि भाई हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि हम जनरली जो चीजें करते हैं, लेट्स से आपका पानी भी है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है, गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है. ठीक है, तो उसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि जो करंट है वो हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल पे जाता है, तो सारी सब चीजों को एक समान रखने के लिए वो कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं हम. आई बात समझ में? पर इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट होता है. अब यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशनशिप देखें, तो वी इज इक्वल टू ई एल है, और E की वैल्यू आप पुट कर सकते हो क्या, V बाय L. तो आपके पास नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा VD का, VD इज इक्वल टू स्मॉल E और E की वैल्यू V बाय L.
वी बाय में एम एल और यहाँ क्या है टाउ एवरेज, टाउ एवरेज ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल की फॉर्म में एक फॉर्मूला ठीक है। अच्छा अब एक रिलेशनशिप और आपको देखने को मिलेगा, फटाफट कर लेते हैं, रिलेशनशिप ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जैसे मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ये बहुत फेमस रिलेशनशिप है, बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इस पे। ये मान लीजिए मैंने कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इसका जो लेंथ है वो है एल, और मान लो मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया ठीक है, कनेक्ट किया, तो आपको पता है मैम बैटरी एक्सटर्नल फील्ड का काम करती है ना। हाँ यस एक्सटर्नल फील्ड के लिए ठीक है, ऐसे ले लो आप डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, बताने की आदत होगी मुझे भी, इस तरह ले लो। अब बताओ मुझे अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है ई एक्सटर्नल, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स इधर लगेगा ना, और वो किस वेलोसिटी के साथ जा रही है। अब वो रैंडमनेस भूल जाना, वो रैंडमनेस का कोई अब रोल नहीं है हमारे आगे, जो भी करेंगे वो आपको समझाने के लिए था, बेस बनाने के लिए था कि एक्चुअली में चल क्या रहा है पीछे। अब वो आप समझ लीजिए वो इलेक्ट्रॉन्स हर एक इलेक्ट्रॉन एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहे हैं, तो अब इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हम देखते हैं डीटी टाइम में कितना करंट जो है वो निकल गया, जैसे I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है ना। यस मैम ठीक है, तो हम लोग ये चीज निकालेंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है एक स्मॉल टाइम डी टी के अंदर। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लो। अब ये इसके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप समझ लो इस क्रॉस सेक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है, सभी आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो डीटी टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से निकल गए वो निकालने के लिए क्या करा मैंने, डीटी टाइम में मैंने ये देख लिया कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स जो इस क्रॉस सेक्शन में है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गए। कैसे निकाल सकती हूँ, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वीडी स्पीड से चल रहा है dt टाइम के लिए चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा vd dt ना, ये तो है ना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो dt टाइम में ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गए, ये मान लो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ये वाला जो क्रॉस सेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस क्रॉस सेक्शन तक पहुंच गए, और ये जो डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल कर लिया वो क्या है vd dt, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से चल रहे हैं और dt टाइम के लिए मैं देख रही हूँ। आई बात समझ में? yes. नहीं हजम हो रही बात, दोबारा देखो। अब ये देखो क्या है, ये एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो भी डी है, सारे इसी से मूव कर रहे हैं, तो मेरे को ये देखना है कि डीटी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए। अभी इसके पीछे भी तो इलेक्ट्रॉन है, टाइम जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, पीछे वाले इस क्रॉस सेक्शन में आ जाएंगे, ऐसे ही चल रहा है। तो वीडी डीटी में डिस्टेंस देख लिया, एक इलेक्ट्रॉन को देख लो, एक एक इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, वो कर गया वी डी डी टी डिस्टेंस, तो सारे ही तो इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गए होंगे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पहुंच गए हैं, और जब ये आगे मूव करें इसके पीछे वाले इसके पीछे पीछे आ रहे हैं, तो डीटी टाइम के अंदर जितना इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है टोटल चार्ज फ्लो कर गया इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से ए से। दोबारा देखो मैम, एक्सटर्नल फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चल तो चेंज हो तो गई, वो आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड मूव तो कर रहे हैं, डायरेक्शन तो बदल गई, पहले तो वो रैंडम मूव कर रहे थे, अब वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस ठीक है। अब देखो कहानी क्या हो रही है, हमें क्या निकालना है, हमें डीटी चार्ज डीटी टाइम के अंदर एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज निकल गया, अगर मेरे पास ये मिल जाए तो करंट मिल जाएगा मेरे पास, वो मुझे एक रिलेशनशिप निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, तो वो कहानी वो वीडी मुझे लेके आना है। तो वीडी लाने के लिए मैंने क्या किया, एक डीटी टाइम के अंदर मैंने एक क्रॉस सेक्शन में देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीटी टाइम में वो सारे इलेक्ट्रॉन्स सेकंड क्रॉस सेक्शन तक पहुंच गए, तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड क्रॉस सेक्शन में जा रहे हैं तो बेटा पीछे वाले भी तो इनके पीछे पीछे मूव कर रहे हैं, यानी आप कह सकते हो उस डीटी टाइम के अंदर ये जितना भी एक सिलेंडर का एलिमेंट बना है पूरा इलेक्ट्रॉन्स का भरा हुआ है। तो ये जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं इस डीटी टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम के अंदर भरे वही तो पहला क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करे होंगे, वहां से आप टोटल चार्ज निकाल लोगे। देखो अभी निकालते हैं तो और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा,
जैसे कि अब मैं एक टर्म लेती हूँ यहाँ पर, एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं क्या कर रही हूं, मैंने देख लिया कि डीटी टाइम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो कैसे निकलेगा। पर यूनिट वॉल्यूम मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन कितना है। आपने डीटी टाइम में देख लिया कि कितना वॉल्यूम में जो है इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसका डिस्टेंस वीडीडीटी है, तो इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू में वी डी डी टी, यही होगा ना। यस मैम, यही तो वॉल्यूम है। तो अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो क्या मुझे इस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो एन से, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया आपके पास, एन इंटू ए वी डी डी टी। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास आ गए तो टोटल चार्ज नहीं आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, E into A D into में जितना भी आपने निकाला है ये N A V D D T N A V D T T D T यार, ये जो टोटल चार्ज है इसको मैं स्मॉल डी क्यू चार्ज मान लू, क्योंकि डी टी स्मॉल डी टी टाइम की बात कर रही थी मैं। यस मैम, अब देख लो डी क्यू बाई डी टी नहीं बन गया, डी क्यू बाई में डी टी किसके इक्वल हो गया, E N A V D, ये है आपका करंट, करंट और वीडी में रिलेशनशिप आ गया। मैंने आपने क्या लिखा है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और डीटी स्मॉल डीटी टाइमिंग है। तो यहां से आपके पास एक फेमस फॉर्मूला निकल गया, इसको बोलते हैं वीना, V D E N A, ऐसे ऐसे याद करने का तरीका है, वीना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशनशिप। मैम E N क्या है, ये E बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैम N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो दोबारा से, लास्ट रिपीटेशन है, एक कंडक्टर लिया, बैटरी लगाई, हमें अब क्या करना है, एक रिलेशनशिप निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के अंदर। तो वो रिलेशनशिप निकालने के लिए मैंने ऑब्जर्वेशन किया फॉर स्मॉल डीटी टाइम और एक क्रॉस सेक्शन मैंने अज्यूम कर लिया। तो डीटी टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है एक क्रॉस सेक्शन को कवर हुए, क्रॉस किए, वो कैसे निकाला, डीटी टाइम के अंदर मान लो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो डीटी टाइम मान लो 2 सेकंड है, 2 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां पहुंचे, तो पीछे भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, फोर्स तो सभी इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है बैटरी की वजह से, वो आपके पास यहां पहुंच गए होंगे, सेकंड वाला जो पहले वाला क्रॉस सेक्शन वो खाली नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस उस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, मैंने 2 सेकंड के लिए देखा कि उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकला, तो पहला जो टाइम 0 है, 0 पे मान लो यहां पर थे सारे इलेक्ट्रॉन, अब वो जो है 2 सेकंड में यहां तक आ गए, तो पीछे वाले भी तो आ गए, यानी ये जो वॉल्यूम बना इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देख लेंगे हम लोग कितने हैं, उससे हमारे पास टोटल नंबर, टोटल चार्ज निकल जाएगा डीटी टाइम में कितना फ्लो किया है एक क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, और एक रिलेशनशिप निकल जाएगी, एक बार करके देखना समझ में आ जाएगा। हाँ, आज आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को होमवर्क के लिए, बट उससे पहले एक अगले चैप्टर, अगला जो लेक्चर है उसे आप कनेक्ट कर पाओ, तो एक चीज देखो यहाँ पर क्या है, वीडी की वैल्यू पुट करो जरा। हेलो, हाँ जी बेटा, वीडी की वैल्यू बताओ कितनी आई थी, ई वी टॉ एम एल ई एन ए, राइट, एक मिनट दो बस फिर खत्म है, ये कितना हो जाएगा, हाँ जी बेटा, क्या सोर होगी, बस होने वाली है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो देखो, मैंने वीडी का वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर एन, मैम हाँ मैम, यहाँ पर जो डीटी था वो कहाँ गया इस फॉर्मूले में, ये डीटी मैं यहाँ ले आई ना, डीटी को मैंने इस डीक्यू के नीचे लिख दिया बेटा, यही तो करंट हुआ ना फिर डीक्यू बाई डीटी,
ये वाला डी क्यू, यही तो टोटल चार्ज है, ये डी टी को डी क्यू के नीचे ले आओ, यही तो करंट बन गया। ठीक है मैम। अभी देखो वीडी मैंने पुट कर दिया, वीडी के बाद मेरे पास एक रिलेशनशिप बन रहा है, वी को अलग निकाल दो, ई स्क्वायर एन ए टॉ बाय में एम एन, ये जो है ये सारा पार्ट देखिए, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ई कॉन्स्टेंट हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपने कंडक्टर लिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम है, एन लेंथ ऑफ कंडक्टर जो आपने लिया है, तो सब कुछ कॉन्स्टेंट जैसे आपको लग रहे होंगे। जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, एन और टॉ डिपेंड करता है मटेरियल क्या है और टेम्परेचर क्या है, इन दोनों के ऊपर आगे डिस्कशन चलेगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसा कुछ जाना पहचाना लग रहा है? यस। ठीक है, यहाँ से अगली कहानी अब शुरू, इसको रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये जो है ये रेजिस्टेंस है, ई स्क्वायर एन ए बाय एम एल, क्या ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस देखो v इज इक्वल टू 1 बाय r होगा ना, v इज इक्वल टू r i होता है ना, तो यहाँ पर v को अलग कर लो, तो आपके पास m l बाय में e स्क्वायर n a tau इनटू में v, ये आ गया रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में सारा, क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज टेम्परेचर के साथ बदलती है, ठीक है, क्या क्या आपको पुट करना है, क्या इनके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, थोड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे और इससे रिलेटेड जो आज का लेक्चर है एक दो न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड करेंगे। करंट डेंसिटी अगर मैं बता दूं क्या फटाफट, छोटा सा फॉर्मूला, करंट डेंसिटी को हम कम टाइम हो गया जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है बस हो गया करंट पर यूनिट एरिया, जो आपने करंट निकाला वी ना से वो लिख दो, वी डी एन ई ए बाय में ए, ए से ए कट गया, दिस इज करंट डेंसिटी, J is equal to क्या हो गया? V, D, N, E. ठीक है? करंट पर हाँ जी बोलिए मैम, जो आपने शिक्षा पहले ये बेटा करंट डेंसिटी है, ठीक है, ये नोट किया है, एक सेकंड